तो लास्ट क्लास हम क्या बात कर रहे थे, ड्यूअल नेचर में डिब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में बात किए थे, है ना। और डिब्रोगली हाइपोथेसिस, डिब्रोगली साहब ने क्या बोला था, ये जो हमारा नेचर है वो या जो साइंस है वो नेचर को बहुत सपोर्ट करता है, मतलब सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। और उन्होंने ये बात किया था कि एक तीसरे तरीके का वेव भी होता है जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव। अब वो उस लेवल पे वो सोच रहे थे, ठीक है, और सोचते सोचते उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस भी कर डाला। आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसके इसका जो डेरिवेशन या बोल सकते हो ये पूरा बोलता है कि एक्सप्लेन डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस विद कैलकुलेशन, ये पूरा लिखना होता है या फिर इसके इस फॉर्मूले के बेसिस में न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले समझते हैं। डी ब्रॉगली साहब इधर कैलकुलेशन कर रहे थे या जो सोच रहे थे उसको जब मैथमेटिक्स, क्योंकि साइंस अगर है तो उसके साथ अगर मैथ्स नहीं आया तो क्या फायदा, तो जब मैथ्स जोड़ दिए या कैलकुलेशन लगाने लगे, उन्होंने ये बोला कि मान लो लेट मैं एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता हूँ, एक्साइट कर देता हूँ एट पोटेंशियल वी। अब इसका मतलब क्या है, मान लो इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, मान लो कोई भी एक प्लेट है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बाहर निकलेगा, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, वो सामने प्लेट तक कब जाएगा, जब सामने वाला उसके, अब देखो तुम अगर मान लो रास्ते में जा रहे हो और अनुष्का को एक बहुत अच्छा हैंडसम सा लड़का दिख गया तो वो उसके और खींची चली जाएगी, मतलब फिजिकली नहीं लेकिन मन ही मन में तो चली जाएगी, और कहां कहां चली जाएगी वो तो उसको भी पता है, ठीक है। और अगर मान लो कोई BTS का आ गया सामने तो वो तो उधर शहीद ही हो जाएगी, है ना। तो वैसे ही अगर एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अगर मिलता है, और एक्साइट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल दिया जा रहा है V, इस V को मैं थोड़ा अलग डिजाइन से लिखा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी का भी जिक्र है इसीलिए, तो ये थोड़ा अलग डिजाइन वाला V है, ग्रीक V है, वो यूज किया जाता है बुक में भी, आपका NCERT में भी यूज है, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे मैं पोटेंशियल देता हूँ तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो उसका एक काइनेटिक एनर्जी भी होगा, और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी E into V होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में चार्जेस वगैरह चैप्टर में, ठीक है ना, पढ़े है ना चार्ज का काइनेटिक एनर्जी EV होता है। तो और जनरली लीनियर मोशन में हमने ये पढ़ा है काइनेटिक मोशन का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का ½mv² होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो mv² मैंने इधर क्या किया, इसके साथ न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक एक m मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो m इधर क्या हो गया, 1/2 m² v² / m विच गिव राइज टू, हमें पता है mv = क्या होता है, मोमेंटम होता है ना, इसीलिए ½ × p² / m, और p क्या होता है यहां पे, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मुझे कितना मिला, 1/2 p² / m मिला, तो 2m इस तरफ ले आया इक्वल टू के इस तरफ, तो 2m × काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² हो गया, तो मोमेंटम इक्वल टू कितना मिल गया, √2m × काइनेटिक एनर्जी। ये e काइनेटिक एनर्जी वाला e है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंफ्यूज मत करना, बच्चे जनरली कर देते हैं, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ है, या फिर ऐसे लिख लो इसको ई हटा के के भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, काइनेटिक एनर्जी को के से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन कैसा बन जाएगा, ये आपका क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच के रिलेशन। उसके बाद हमें पता है λ = h/p होता है, कल ही बताया था, मतलब लास्ट क्लास बताया था, और इस p के जगह पे मैंने क्या किया, √2mk डाल दिया, और k के जगह पे मैंने क्या डाल दिया, EV, तो क्या बन गया, λ = h/mev, और ये v क्या है, जो पोटेंशियल दिया गया था उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, ठीक है। और हमें इसमें से मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता है, e पता है, और h प्लैंक्स कांस्टेंट वो पता है। जब ये सारा वैल्यू डिब्रोगली साहब ने पुट किया तो उनको वेवलेंथ ऑफ द लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या मिला, 12.27 बाय
रूट ओवर ऑफ वी। अच्छा वो लैम्बडा क्यों निकाल रहे थे? वो इसलिए निकाल रहे थे, उन्होंने ये पहले ही बोल दिया था अगर कोई भी पार्टिकल अगर वेव नेचर शो करता है तो जो चीजें वेव नेचर शो मतलब सॉरी वेव नेचर से अगर पार्टिकल नेचर प्रूव हो सकता है वो वही प्रूव करना चाहते थे। और अगर एक पार्टिकल का वेव नेचर होगा या एक मैटर का वेव नेचर होगा तो जाहिर सी बात है उसका क्या एक वेवलेंथ होगा होगा ना, और वही वो चीज एक्सप्लेन करना चाहते थे। लेकिन इन सब चीजें ये सारे चीजें उनके ख्यालों में ही रह गए, मतलब पेन एंड पेपर में रह गए, वो एक्सपेरिमेंटली इस चीज को दिखा नहीं पाए। और उसी से आपका इजाद हुआ और एक नया टाइप ऑफ वेव का जिसको हम बोलते हैं मैटर वेव्स। और मैटर वेव्स क्या होता है? इट इज द एनवेलप ऑफ मेनी वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ विच कंट्रोल मोशन ऑफ द पार्टिकल। और ये मैंने लास्ट क्लास भी बताया था, जो वेव होता है या जो पार्टिकल होता है वो अपने जगह पे मूव करता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो डी ब्रोगली साहब ने जिस वेव के बारे में बात की वो वेव खुद आगे मूव कर पाता था, मतलब पार्टिकल मूव कर पाता था। और वो पार्टिकल कैसे मूव कर पाता था कि उसके ऊपर एक जो पार्टिकल है उसके ऊपर वेव अपना एक एनवेलप बना लेता था और वो उसके साथ साथ चलता था तो पार्टिकल मूव कर पा रहा था। ठीक है, ये बता दिया। अब उसके बाद और एक साइंटिस्ट है जिसका नाम आप बहुत सुने होंगे, हाइजेनबर्ग। और उनका एक लॉ या उनका एक प्रिंसिपल भी आपने पढ़ा होगा, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पढ़े हो। और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या या उस कैलकुलेशन में वो क्या बताना चाह रहे थे कि अगर वेव उसके अंदर ऐसे बंद करके चला गया, अब अगर मान लो मैं कोई लिफाफा ले लूं एनवेलप, उसके अंदर एक रुपए का सिक्का डाल दूं, और एक रुपए का सिक्का किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है ना। वैसे ही अगर ये वेव इस पार्टिकल को बंद करके चल रहा है तो ये जो पार्टिकल है ये कौन से जगह पे है उस एनवेलप के अंदर, वो बताने के लिए उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया जिसको हम बोलते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी या प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। अब यहां पे हम आ जाते हैं पूरा क्वांटम फिजिक्स की ओर। और क्वांटम फिजिक्स कुछ ऐसा ऐसा फिजिक्स है वो अनसर्टन है, अनसर्टन भी है लेकिन एग्जिस्ट भी करता है क्वांटम फिजिक्स। इसलिए जनरली बच्चों को क्वांटम फिजिक्स समझ नहीं आता, हालांकि मैं भी नहीं समझाऊं उतना, लेकिन जितना जानना चाहिए उतना जानता हूं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स समझने में पूरा बहुत दिमाग चाहिए होता है, बहुत दिमाग क्या कुछ ऐसा थोड़ा अलग ही दिमाग होता है उसके लिए। और क्वांटम फिजिक्स में क्या बोला जाता है कि अब देखो यहां पे देखो द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल वो रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एक्स से, और जो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल है क्योंकि पार्टिकल पे मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसका मोमेंटम होगा, उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा पी। और ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे हाइजेनबर्ग साहब कि वो पार्टिकल कहां किस जगह पे है, और अगर किस जगह पे है मतलब पोजिशन ढूंढ रहे थे, और अगर वो भी मूव कर रहा है तो उसका मोमेंटम कैसा होगा वो भी ढूंढ रहे थे। और उन्होंने ये देखा और जब कैलकुलेशन किया तो उन्हें ऐसा मिला डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाय टू पाई। जब वो मैथमेटिकली ये सब कैलकुलेट कर रहे थे उनको ये वैल्यू मिला। अब देखो अब मुझे डेल्टा एक्स या पोजीशन जानने के लिए उस पार्टिकल का पोजीशन जानने के लिए मुझे आइदर डेल्टा एक्स दोनों प्रोडक्ट में है, आइदर मैं अगर इसको सर्टन करूंगा, सर्टन मतलब एक कैलकुलेटेड वैल्यू पे लेके आऊंगा, तो अगर सर्टन वैल्यू तो मुझे ये मिल जाना चाहिए, या फिर इसको अगर मैं एक कैलकुलेटेड वैल्यू पे लाऊं तो ये मिल जाना चाहिए, और दोनों का प्रोडक्ट ये इससे बड़ा होगा होगा ना। और अगर मैं एक जनरल कैलकुलेशन के तौर पे इसको अगर इक्वल भी मान के चलूं, इसको अगर मैं इक्वल भी करूं, इक्वल टू साइन है, इक्वल भी मान के चलता हूं, अगर देखो अब इसको सर्टन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, डेल्टा एक्स का वैल्यू बहुत छोटा करना होगा, सॉरी बहुत बड़ा करना होगा, गलत बोला, बड़ा करना होगा। और अगर इसको बड़ा करता हूं तो डेल्टा पी छोटा हो जाता है, और अगर डेल्टा पी को बड़ा करता हूं तो डेल्टा एक्स छोटा हो जाता है। तो एक चीज को सर्टन करने जाओ दूसरा चीज अनसर्टन हो जा रहा है, और दूसरा चीज को अनसर्टन करने जाओ पहला चीज वाला सर्टन नहीं हो पा रहा, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये जो पोजीशन है अभी तक ये पता नहीं चल पाया जो हाइजेनबर्ग साहब ने बोला जो या
हाँ हाइजेनबर्ग साहब ने बोलने की जो कोशिश कर रहे थे कि जो मैटर का पोजीशन है उस वेव के अंदर वो कहां पे है अभी तक नहीं पता चल पाया। समझ रहे हो? और क्यों पता नहीं चल पाया? क्योंकि दोनों चीजें अनसर्टन है और दोनों का वैल्यू इससे तो बड़ा ही होगा, ठीक है, इसलिए पता नहीं चल पाया। यह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला या इक्वेशन। समझ रहे हो? अभी तक जो कहानी चल रही थी वो ये सब डी ब्रोगली साहब के हाइपोथेसिस के बेसिस पे चल रही थी और उसी से एक छोटा सा पार्ट होता है आपका हाइजेनबर्ग साहब का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन हम तो चल रहे थे डी ब्रोगली साहब के एक्सपेरिमेंट में और डी ब्रोगली साहब के एक्सपेरिमेंट जो थिंकिंग के हिसाब से ये सारा चीज हो रहा था। उन्होंने पेपर पेन में लिख दिया और जब उन्होंने ये सब चीजें बताई तो सामने वाला बोला कि हो कहाँ रहा है, दिखाओ। तो वो प्रैक्टिकली तो दिखा नहीं पाए या एक्सपेरिमेंटली दिखा नहीं पाए, उनके जीवन काल में नहीं दिखा पाए। लेकिन आफ्टर सर्टेन ईयर्स 1927 में जर्मर और डेविडसन ये दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस सोचा कि हम इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं शायद हो जाए। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया और तुम्हें ये मतलब ये देख के आश्चर्य होगा कि जो चीज एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट होके आ रही थी ना लैम्बडा का, जो एक्सपेरिमेंट से लैम्बडा का वैल्यू कैलकुलेट होगा वो इस लैम्बडा के वैल्यू के साथ इक्वल हो जाएगा, इक्वल होगा, आसपास होगा। मतलब सोचो उस लेवल पे, किस लेवल पे वो साइंटिस्ट जो डी ब्रोगली साहब थे वो किस लेवल पे सोच रहे थे, वो अपने सोचते सोचते कहां तक पहुंच गए। हम तो कहीं जा भी नहीं पाएंगे उनके आसपास, लेकिन वो कहां से कैसे सोचते सोचते इतना सब कुछ बोल डाला, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं डेविडसन और जर्मर जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो क्या है। अब आते हैं डेविडसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर हाइजेनबर्ग जो डी ब्रोगली साहब जो बोल रहे हैं वो अगर सच है तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन को भगाऊं, इलेक्ट्रॉन को एक स्पीड से भगाऊं तो वो एक पैटर्न फॉर्म करना चाहिए। उन्होंने ये बोला अगर वेव है तो वो पैटर्न फॉर्म करना चाहिए जो हमारा यंग डबल स्लिट में हो रहा था ना, फ्रिंजेस आ रहे थे, तो वैसे पैटर्न्स यहां पे भी फॉर्म होने चाहिए। तो उन्होंने क्या बनाया, एक इलेक्ट्रॉनिक गन बनाया। इलेक्ट्रॉनिक गन बनाया और उसके साथ एक सामने क्या किया, सॉरी इसको एक पाइप लगा दिया, ठीक है, एक पाइप लगा दिया बीच में, ये हॉलो था, ठीक है, और इसको दे दिया पॉजिटिव टर्मिनल, किसको, इस प्लेट को। अब इधर से जब ये इंडक्टर है तो जब इसमें मैं करंट पास करवाऊंगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे और एज बिकॉज ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इस इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा अपनी ओर, खींचेगा ना, तो खींचा और इलेक्ट्रॉन गया और जाने के बाद इसके पीछे उन्होंने लगा दिया क्या, निकेल का प्लेट, क्या लगाया, निकेल का प्लेट लगा दिया और यहां पे एक कलेक्टर लगा दिया और ये कलेक्टर मूव कर सकता है। और मूव क्यों करेगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए कोई तो चाहिए, हाँ, तो कलेक्टर लगा दिया और यहां पे निकल लगाया। अब निकल पे यहां पे मान लो ये बन गया 90 डिग्री, सॉरी इसका जो ओरिएंटेशन है कुछ ऐसा था, ये हो गया आपका 90 डिग्री, ठीक है ना, और मान लो ऐसे आके इस पे प्लेट पे गिर रहा था, मान लो ये हो गया थीटा, थीटा एंगल पे इस प्लेट पे गिर रहा है, ठीक है। तो अगर ये थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, थीटा होगा। तो ये वाला जो टोटल एंगल है ये हो जाएगा आपका मान लो फाई और इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लैंस, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ ग्लैंस। और उसके साथ साथ उन्होंने एक ग्राफ भी प्लॉट किया, क्या ग्राफ प्लॉट किया, जब वो इसको घुमा रहे मतलब थीटा को चेंज कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी इसको घुमाएंगे मतलब इस निकेल प्लेट को घुमाएंगे तो थीटा चेंज होगा,
थीटा चेंज होगा तो ये चेंज होगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उस थीटा को चेंज करते रहे फ्रॉम 0 to 90, मतलब इसको पहले प्लेट को ऐसे रखा, ऐसे समझो, पहले प्लेट को ऐसे रखा, फिर घुमाते 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 ऐसे कर दिए, तो 0 to 90 अलग अलग एंगल पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उन्हें एक कर्व मिला, ये मान लो 0 degree, ये हो गया 90 degree, ऐसे वो घुमाते रहे, ये छोटे छोटे क्या हर एंगल का लाइन है, ठीक है। मान लो ये 0, ये 10, 20, 30, ऐसे वो उन्होंने लेकिन एक एक एंगल का किया था, एक एक एंगल में उन्होंने लाइन ड्रॉ किया था, ठीक है। और जब उन्होंने ये देखा यहां पे 48 से लेके 68 वोल्टेज दिया जा रहा है, 48 से लेके 68 वोल्टेज दिया जा रहा है, और जब थीटा आपका 50 डिग्री हो जा रहा है, जब थीटा आपका 50 डिग्री हो जा रहा है, तो यहां पे जब वो ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो उनको कुछ ग्राफ ऐसा मिला। अब इसका मतलब क्या है कि यहां पे कम इलेक्ट्रॉन जब इस एंगल पे था, मान लो 0 था फिर 10 आया, 10 पे इतना इलेक्ट्रॉन पकड़ा गया, जैसे जैसे वो एंगल बढ़ाते बढ़ाते 50 पे पहुंचे, 50 पे उनको मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मिले, और जैसे जैसे फिर वो घटाते गए तो उनको और कम मिलने लगा, और ऐसे ही वो जब और आगे बढ़ते रहे फिर से बढ़ा फिर से घटा। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि जो क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है वो भी एक वेव नेचर शो कर रहा है, क्योंकि वेव का ऐसा ही ग्राफ हुआ करता था, याद करो, वेव नेचर शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर शो कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट की बात। और उन्होंने क्या किया कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है, जो डेटा उन्हें मिला, उन्होंने इसको प्रूट कर दिया किससे, किसमें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो फॉर्मूला था। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस होता था डी, और वो फॉर्मूला क्या हुआ करता था, 2d sin theta इज इक्वल टू लैम्बडा, ये हुआ करता था, याद करो, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है, अरे हाँ या ना, था ना। और यहां पे डी क्या है, डी इज द, इस एक्सपेरिमेंट में डी इज द डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, बिटवीन क्या है, एटम्स है। अब इसको समझना, अब यहां पे जब लाइट गिर रहा है तो इस निकेल प्लेट में बहुत अलग अलग एटम्स होंगे और उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो जब इलेक्ट्रॉन जाके इस पे गिरा और इस पे गिरने के बाद ये ऐसे आ गया, और इधर से इलेक्ट्रॉन और एक गया, इधर गिरा, इधर टकराया और ऐसे आ गया, तो उनके बीच में भी एक पाथ डिफरेंस हो रहा होगा, हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, हो रहा होगा। तो उस डी को उन्होंने वो पाथ डिफरेंस लिया, ठीक है। और निकेल के लिए कितना होता है, 0.9 फॉर निकेल, 0.91 एमस्ट्रॉन्ग होता है वो क्या डी, ठीक है। तो जब उन्होंने इसमें सारा वैल्यूज पुट किया, थीटा कितना डाला 50 डिग्री, और सॉरी थीटा 50 डिग्री डाला, हाँ थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन थीटा, जो इस वाले थीटा के बारे में बात कर रहा हूं, ये थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन कौन सा, पाथ डिफरेंस का एंगल। तो यहां पे पाथ डिफरेंस का एंगल कौन सा है, ये वाला फाई एंगल है, तो फाई अगर यहां पे उनको 50 डिग्री मिल रहा है तो फाई कितना होगा, 50 होगा या 90-50 होगा, 90-25, कैसे, अगर थीटा उनको 50 मिल रहा है, सॉरी थीटा बोलो, ये टोटल एंगल उनको अगर 50 मिल रहा है तो एक एंगल कितना मिलेगा, 25 डिग्री मिलेगा। अब देखो इस बात को समझना, कंफ्यूज हो रहे होगे, थीटा जो बात किया जा रहा है, किसका बात कर रहा है, ये एंगल जो घुमा, ठीक है, ये एंगल 50 डिग्री घुमा, तो ये वाला उसको दो पार्ट में हमने तोड़ा हुआ है, तो ये हो गया 25, ये भी हो जाएगा 25, होगा या नहीं होगा, तो फाई आपका कितना हो जाएगा, 60-90-25 विच इज इक्वल टू 65 होगा फाई। तो इस थीटा की जगह पे हम क्या डालेंगे, फाई का वैल्यू डालेंगे। तो जब ये सब वैल्यूज डाला गया तो लैम्बडा उनको कितना मिला पता है,
1.65 एमस्ट्रॉन्ग मिला। ये सब वैल्यूज याद रखना है, ठीक है। 1.65 एमस्ट्रॉन्ग मिला। और जब डी ब्रॉगली साहब का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, लैम्डा इज इक्वल टू 12.25 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ वी 27। ये हुआ करता था। तो जब इधर V हमने कितना बोला, कितना पोटेंशियल होना चाहिए, 48 से लेके 64। जब अब एक्चुअली में ये जो चीज हो रहा था, मतलब जहां पे मैक्सिमम है, ये जो मैक्सिमम है उस टाइम पे जो वोल्टेज हुआ करता था, या यहां पे 48 से 68 उनके बीच में कुछ ना वोल्टेज तो होगा, क्योंकि वो तो कंटिन्यूस चेंज कर रहे थे, और इसको भी चेंज कर रहे थे, और इसको भी चेंज कर रहे थे। तो जिस पॉइंट पे या मैक्सिमम मिल रहा था, या थीटा जब 50 डिग्री था, उस टाइम पे जो वोल्टेज हुआ करता था, वोल्टेज वो है 54 वोल्ट वोल्टेज था। तो जब उन्होंने इस वोल्टेज का वैल्यू यहां पे डाला, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू कितना, 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 54। तो उनको क्या मिला, 1.66 एमस्ट्रॉन्ग, ये भी मिला, जो कि अप्रोक्सीमेटली एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू आ रहा है, और डी ब्रॉगली साहब के जो हाइपोथेसिस था उसे ये वैल्यू आ रहा है जब पुट किया गया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो इससे क्या पता चल गया, जो डी ब्रॉगली साहब ने जो बोला था वो सच बोला था। और उसी के साथ ये प्रूव हो गया कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है या मैटर है, वो अपना वेव प्रॉपर्टी शो करता है। और इसी से पता चला कि जो मैटर है वो दो नेचर शो कर सकता है, एक होता है एक पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, पहले स्टडी क्या किया जा रहा था, पहले जब हम पार्टिकल नेचर के बारे में बस पढ़ रहे थे, हम कॉपी के एक साइड को देख रहे थे, कॉपी के एक साइड में पेन पेंगुइन है, तो दूसरे साइड पता नहीं है हमें क्या है, लेकिन जब दूसरा साइड पता चला तो देखा गया कि एक पौधा भी है, तो अभी दोनों साइड पढ़ा जाता है। और जिससे ये एक्सपेरिमेंट और डी ब्रॉगली साहब का हाइपोथेसिस बहुत ऑथेंटिकेटली प्रूफ करता है। और हमारा मकसद ही यही था कि ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर समझना, पार्टिकल नेचर भी समझे और वेव नेचर भी समझे इस पूरे चैप्टर में। समझे या नहीं समझे, एक्सपेरिमेंट समझ में आया क्या हो रहा था, पक्का कोई डाउट? चलो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम और एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है एटम, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है और थोड़ा थियोरिटिकल है, लेकिन मजा आएगा पढ़ने में। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ेंगे एटम को तो और मजा आएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।